फ्रिज भी आप लोग देख सकते हैं, गांधी सेतु का पुराना वाला नया वाला जो बन रहा है, यहीं पर से फेज 3 का उद्घाटन हो चुका है। देख लीजिए यहाँ पर से खुल चुका है, यहाँ पर से कट भी गोल घुमा के आने के लिए ये वाला ब्लॉक था, ये खुल चुका है। वैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप लोग कंगन घाट वाले इस ब्रिज से उतरिएगा नीचे, तो यहाँ से सीधे रोड जा रहा है। यहाँ पर रोड देखिए काम भी चल रहा है, बनाया जा रहा है। यही रोड आपको डायरेक्ट गुरुद्वारा की ओर लेकर चला जाता है। हम लोग को गुरुद्वारा भी समझिए आप तुरंत पहुँच पाइएगा, पटना सिटी से आप लोग जाते हैं गुरुद्वारा, बहुत ट्रैफिक का जाम का सामना करना पड़ता है। अब इस देख ले दोस्तों यहाँ पर से कितना अच्छा सेल्फी पॉइंट है, बोला मॉर्निंग के टाइम से आपको मिलने वाला। हेलो दोस्तों, मैं उदय, स्वागत है नए ब्लॉग के साथ। तो दोस्तों फेज 3 का उद्घाटन हो चुका है, अचानक से इसका उद्घाटन हुआ, कुछ पता नहीं चला, तो हर बार पहले ब्लॉग लेकर आते थे, एक दिन लगता है बीत चुका है, चलिए इस बार लेट हो गया, बट कोई नहीं, एक ही दिन मिस हुआ है। तो आगे आप लोगों को लेकर चलते हैं, आप गायघाट से आप लोग कंगन घाट तक डायरेक्ट जा पाइएगा, हम लोग को गुरुद्वारा भी समझिए आप तुरंत पहुंच पाइएगा, पटना सिटी से आप लोग जाते हैं गुरुद्वारा, तो बहुत ट्रैफिक का जाम का सामना करना पड़ता है। अब इस ब्रिज की मदद से आप लोग मरीन ड्राइव फेज 3 या गंगा पथ 3 फेज 3 आप लोग बोल सकते हैं, तुरंत आप लोग पहुँच जाइएगा। तो चलिए लेके चलते हैं आप लोग। अभी दोस्तों गायघाट के पास आ रहे हैं, यहीं पर मरीन ड्राइव फेज 2 का उद्घाटन हुआ था पिछले साल, देख लीजिए पूरा सजा धजा था, इस बार ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। ब्रिज भी आप लोग देख सकते हैं, गांधी सेतु का पुराना वाला नया वाला जो बन रहा है, यहीं पर से फेज 3 का उद्घाटन हो चुका है, देख लीजिए यहाँ पर से खुल चुका है, यहाँ पर से कट भी गोल घुमा के आने के लिए ये वाला ब्लॉक था, ये खुल चुका है, पटना वासियों को मिल गया इस साल नया तोहफा। दोस्तों तो आगे लेके आप लोग को चलते हैं, पूरा चल के आप लोग को दिखाते हैं, इस ब्रिज में पूरा घूमते जाएंगे, कितना स्पीड में कितना टाइम में हम लोग पहुँचते हैं कंगन घाट तक, वो भी आपको दिखाएंगे। समझिए यहाँ से आप लोग पटना सिटी से जाते थे ट्रैफिक से होकर आपको गुजरना पड़ता है गुरुद्वारा के लिए, यहाँ पर से बिल्कुल आपको शॉर्टकट होने वाला है, कुछ मिनटों में आप लोग पहुंच जाइएगा। पहला हम लोग का सफर यहाँ पर, अमन भाई पहुंच चुके हैं, उन्हीं के बाइक पर बैठ गए हैं। क्या अमन भाई, इस बार बहुत लेट हो गया ना? हाँ सरप्राइज हो गया, हम ही लोग हमेशा देते थे, उल्टा हो गया इस बार, थोड़ा बुरा लग रहा है, पर कोई नहीं, चलिए आगे लेके आप लोग चल रहे हैं। देख लीजिए कितना अच्छा अच्छा व्यू आपको मिलने वाला है, रुक रुक कर आप लोग फोटो सेल्फी ले पाइएगा, बहुत खूबसूरत अच्छा नजारा है, ठंडा ठंडा हवा लग रहा है भाई, लग रहा है एसी चला हुआ। देखिए खूबसूरत नजारा के पास एक डॉग भी हम लोग को मिल गया, डॉग का बच्चा, दौड़ा मत गिर जाओगे भाई। हाँ ये देखिए क्या खूबसूरत नजारा है, सूर्य देवता का सवेरे सवेरे दर्शन हो गया, वाह देखिए लोग यहाँ पर रुककर फोटो सेल्फी पॉइंट ले सकते हैं, ऐसा तो कहीं आपको नहीं दिखने वाला। हम लोग फेज 3 के ब्रिज के ऊपर खड़े हैं, देख लीजिए गंगा पथ फेज 3 बोलिए, फिर पटना मरीन ड्राइव फेज 3 आप लोग बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पर चार डिवाइडर ऐसे करके दे दिया गया है, ज़्यादा स्पेस था इस कारण से दिया गया होगा। देख ले दोस्तों यहाँ पर से कितना अच्छा सेल्फी पॉइंट है, बोला मॉर्निंग के टाइम से आपको मिलने वाला और सवेरे के टाइम, दोपहर में तो कोई आएगा नहीं, बहुत अच्छा व्यू है। चलिए अब आगे लेके आप लोगों को चलते हैं, आप लोग भी आ रहे हैं तो आपको बता देते हैं, उद्घाटन हो चुका है, उतना इनोग्रेशन वगैरह कुछ नहीं किया गया, डायरेक्ट उद्घाटन कर दिया गया, जैसे पिछले साल किया गया था फेज 2 का फेज 1 का, बट वैसा कुछ भी हम लोग को देखने को नहीं मिला, डायरेक्ट खुल गया पब्लिक के लिए अचानक से। चलिए आगे लेके चलते हैं, नज़ारा बहुत खूबसूरत है, देख लीजिए पूरा का पूरा ब्रिज स्टार्ट हो चुका है, लेफ्ट राइट दोनों साइड आगे पीछे आने जाने दोनों का खुल चुका है। चलिए दोस्तों तो वापस हम लोग कंगन घाट की ओर बढ़ रहे हैं, लेकर आप लोग को चल रहे हैं, देखते हैं वहाँ पर क्या नज़ारा है। देख लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर से आ रहे थे, 5-6-10 मिनट हम लोग को लगा, यहाँ से आपका फेज 4 का होगा, यहाँ से फेज 4 का देखिए जो ब्लॉक किया हुआ है, बाकी पूरा देखिए फेज 3 में हम लोग घूमते हुए आगे उद्घाटन हो चुका है, काफ़ी अच्छा हम लोग को व्यू मिल रहा है, चहल पहल स्टार्ट हो चुका है गाड़ी का, और इधर फेज 4 के लिए सब मशीन वगैरह देखिए रखा हुआ, सबका काम अभी चल रहा है। घोड़े की रफ्तार से नहीं, इस बार चीते की रफ्तार से बना है पटना मरीन ड्राइव फेज 3 का ये ब्रिज, या बोल सकते हैं गंगा पथ। पटना वालों को मिला बहुत बड़ा सरप्राइज गिफ्ट, अचानक से फेज 3 खुल गया पब्लिक के लिए, बहुत समय से पटना वालों को जिसका इंतजार था फाइनली वो समय आ गया है, अब गाय घाट से कंगन घाट बस 5-7 मिनट में आ जा सकेंगे, और ये भी बोल सकते हैं गाय घाट से गुरुद्वारा बिना किसी ट्रैफिक के जा सकेंगे। सबसे बड़ी बात तो यही है, पटना सिटी से गुरुद्वारा जाने में बहुत टाइम लग जाता था, कम से कम 1 या 2 घंटा लग जाता था ट्रैफिक के कारण, अब आप लोग पटना गंगा पथ फेज 3 का जो ये ब्रिज बना है इसके मदद से बस कुछ मिनटों में आप लोग गुरुद्वारा जा सकेंगे बिना किसी ट्रैफिक के, और कंगन घाट से आप लोग गाय घाट या फिर PMCH या फिर पटना मरीन ड्राइव दीघा के पास भी जा सकेंगे बस कुछ मिनटों में। तो आप लोग एक कॉमेंट करके ज़रूर बताना, और इस ब्रिज के बनने का क्या फ़ायदा हुआ।
वैसे आप लोग देख सकते हैं, जैसे ही आप लोग कंगन घाट वाले इस ब्रिज से उतरिएगा नीचे, तो यहाँ से सीधे रोड जा रहा है। यहाँ पर रोड देखिए काम भी चल रहा है, बनाया जा रहा है। यही रोड आपको डायरेक्ट गुरुद्वारा की ओर लेकर चला जाता है। तो आपको सीधे लेकर चल रहे हैं, आपको दिखा देते हैं, बिल्कुल हल्का फुल्का गली है, तो आप लोग डायरेक्ट गुरुद्वारा निकल जाइएगा। जहाँ तक मेरे को पता है कि बाइक वगैरह ऑटो ये सब तो आराम से निकल जाते हैं, कार का उतना मेरे को आइडिया नहीं है। तो पटना वाला को दोस्तों फेज थ्री का उद्घाटन हो चुका है, बहुत अचानक से बोलिए सरप्राइज, बहुत बड़ा सरप्राइज मिल गया। ऐसे तो लगा था अच्छा से धूमधाम से उद्घाटन होगा, बट वैसा कुछ ही नहीं हुआ, अचानक से उद्घाटन हो गया, कुछ पता ही नहीं चला किसी को। हर बार पहले कवर करते थे, बट इस बार लगता है 1 या 2 दिन मिस कर गए। बहुत बड़ी खुशखबरी है, अब आप लोग कंगन घाट आ पाइएगा, समझिए कि गुरुद्वारा जा पाइएगा बस कुछ मिनटों में। बहुत ट्रैफिक से आपको गुजरना पड़ता था, फेज थ्री से होकर आइए, गुरुद्वारा आराम से जा पाइएगा। चलिए दोस्तों फाइनली यहाँ से निकल ले, छोटा सा अपडेट था। तो अगर ये व्लॉग आपको अच्छा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को शेयर करिए। ओके बाय, टेक केयर। पटना बिहार को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहेंगे।